नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल में आज सुबह हुई जोरदार बारिश के चलते जहां क्षेत्रवासियों को सुखा देने वाली गर्मी से कुछ घंटों के लिए राहत मिली हो, लेकिन कई लोगों के लिए आज की बारिश मुसीबतों का कारण बनकर आई और नंगल के विभिन्न क्षेत्रों के घर और सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को विभिन्न समस्याओं से दो चार होना पड़ा। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग की तस्वीरें, जहां सड़क कम तालाब अधिक नजर आ रही थी और सड़क के साथ बना निकासी नाला जाम हो जाने के कारण पूरा पानी सड़क के बीचों बीच जमा हो गया और कई गाड़ियों के पानी में फंस जाने की भी जानकारी मिली। कड़ी मशक्कत के उपरांत सफाई कर्मचारियों ने निकासी नाले में फंसी गंदगी को बाहर निकाला, तब पानी निकला और राहगीरों ने राहत की सांस ली। पहले देखे ये तस्वीरें, फिर दिखाते हैं वार्ड नंबर 11 की तस्वीरें, जहां के लोग भी परेशान नजर आए। अब दिखाते हैं नंगल के वार्ड नंबर 11 के तहत पड़ती जवाहर मार्केट की तस्वीरें, जहां एक पूरे का पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया और लोगों के घरों में पानी घुस गया। जहां भी नंगल नगर कौंसिल के कर्मचारियों ने पंप लगाकर जमा हुए पानी को निकाला और लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कई लोगों का इस दौरान काफी नुकसान हो गया। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस चुका था। पहले सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते वार्ड 11 निवासी राजकुमार ने। नाम बोलो। राजकुमार सचदेवा। ज्वार मार्केट दे विच हर बार जो बारिश पैंदी है तो लोगों के घर पानी वड़ जाता, इन्नी मुश्किल आती है भी सीवरेज का पानी भी अंदर चले जाता, जिहड़ी निकासी है प्रोपर तरह हुई नहीं है। जो कोई काम चलांदा है जां MC काम कराते हैं तो राजनीति पार्टियां वाले इकट्ठे होकर वो काम रोक देंगे। इस काम को रोकना नहीं चाहिए, काम सिरे चढ़ाना चाहिए। अज तो कम से कम भी साढ़े महल तकरीबन महल सब जो नीवे घर है सब च पानी वड़ गया और इन्ना नुकसान हो गया भी ना भी कमेटी भरपाई कर सकती है, तो उन्होंने कितों कर लेना। कोई बंदा घर नहीं हुंदा उहदे अंदर पानी वड़ जाता तो कित्थे जाऊगा। दो चार बंदे साढ़े महल इदां दे हैगे भी जिन्हां दे ओह रहिंदे कदी चंडीगढ़ कदी खरड़ कदी किते, असीं मैं भी चंडीगढ़ सर्विस करदा भी साढ़े अंदर भी पानी वड़ जाता, घर पानी कढ़न वाला कोई नहीं हुंदा, सारा नुकसान हो जाता। क्या कहा वार्ड नंबर 11 के तहत पड़ती जवाहर मार्केट निवासी विकास वर्मा ने, जे भी सुने। ना बोलो। विकास वर्मा जी। विकास की गल चाहे पानी अच्छा सवेर ही साढ़े इतना बरखा हुई जी, साढ़े सारे अंदरों पानी घूम गया जी। पहला भी साढ़े होया था किसी ने सुनाई नहीं की, साढ़े जवाह मार्केट राजनीति करके ये घुमाण पे वा जी, इधर थले रेवे फाड़ करके पैपा का घुमाण है, उत्थे करन लगे थे हल, फिर इन्हें घुमाण पाता जी, खड़ गए बंदे आ गए। हूँ असं दसो क्या करिए, जो साढ़े जवाह मार्केट का घर का नुकसान होया वा जां किसी दे घर पानी वड़ गया, ठीक है जी, ये ना राजनीति करके पब्लिक डुबया करती जी, तो हल दसो जी क्या गा। पहला भी आया साढ़ा पहला हल नहीं होया, सब ने अपने अपने घर देखे, अब किसी का नहीं देखे जी। सिटी हलचल से बात करते क्या कहा वार्ड नंबर 11 की महिला पार्षद मीनाक्षी बाली के पति बलविंदर बाली ने, जे भी सुने। बली दसो, अज थोड़े वार्ड दे विच काफी लोकां दे घरां पानी वड़ गया, की कहना चाहुंदे हो, नुकसान ते होया ही है? बहुत नुकसान होया साढ़े वार्ड च, हर एक टाइम जितें बरसात हुंदी साढ़े महल्ले च साढ़े महल्ले पानी बहुत वड़दा। असीं बड़ी कोशिश की, आपां सीवरेज बोर्ड नाल इहनां कंटैक्ट किया, पहला रेलवे तो कम कराया, फिर आपां सीवरेज नाल रल के जानी साडा थोड़ा जिहा पैप पैणा था, ओह पैप दा कम स्टार्ट होणा, मगर कुछ राजनीति पार्टियां जिहड़ी कि चाहुंदी इह कम ना हो सके उन्हें इह कम रुकाता। मैं तां इह कहिंदा कि जिहड़ा साडा इह कम है इह सारा नंग बाड़ बस 11 वास्ते सब दे वास्ते वधिया है, इह कम होण दिओ। जे कि राजनीति पार्टी नाल विरोध मेरा हैगा तो मेरा विरोध करो, इह कि लोकां दा कहिआ जिहनां घर पानी वड़ गया जिन्हें नुकसान हो गया इन्हों का विरोध इन्हों का ना करो नुकसान, मेरे ना विरोध है मेरा विरोध रज के करो, मतलब लोगों के घर पानी ना बढ़न दो। मैं लोगों को ये कहना चाहता कि देखो जेडे भी ये काम रोकते हैं, मैं नहीं कहता काम हो दो, ठीक है, जो थोड़ा कोई नुकसान तो दसो पानी सवेरे मैंने 5 बजे फोन आ गया था जी इन्हों का, मैं बरखा करके मैं जद ही बलविंदर साहब को फोन किया
संजय सानी जी ने फोन किया कि देखो उन्हीं बंदे भेजते मोटर लाती बाकी टैंकर भी आ रहे एक दूजी बड़ी मशीन भी आ रही। मैं तो हर पास प्रयास कर रहा जी मेरे बार चाहे प्रॉब्लम ना आवे मैं और मेरी एक जब तक सीवर प्रॉब्लम खत्म नहीं जब तक मैंने चैन नींद नहीं आया नुकसान हो गया भरपाई कौन करूगा हूँ भरपाई तो सारे हम देखते हैं क्या करते अभी तो प्रशासन को कहते भरपाई की जाए। सारे हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ट ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता नोट करें वशिष्ठ ऑप्टिकल नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग निकट गोल्डन पैलेस अजोली मोड जिला उन्ना। हमारा फोन नंबर 99 155 84 190।